हामिद क्या करता है? मटियाली पेपर एंड पेंट का काम करता है। कितना अरसा हो गया शादी को? 11 साल। 11 साल कैसी जिंदगी गुजरी? सही। अच्छी? हाँ जी। ठीक थी? हाँ जी। हामिद ख्याल रखता था? हाँ जी। खर्चा पूरा करता था? हाँ जी। बच्चों से प्यार करता था? हाँ जी। क्या मसाइल थे? मसाइल बाजी मेरा देवर सी, मसलन के मैं तंग तुंग करता सी, ब्लैकमेल करता सी, ते धमकियां धुमकियां लांदा सी, उहदी वजह तों मैनूं परेशान करता सी। मैं अपने बंदे नूं वी दस्या वे, ते उह मसलन के यकीन नहीं सी करता, कहिंदा सी कि मेरा भरा ए उह इंज दा नहीं है, ते हो सकदा कि तैनूं कोई गलती लगदी। फिर मैं माजिद नूं दस्या, फिर उहने मसलन के माजिद कौन है? माजिद बाजी है जिहड़े गए ने। क्या लगता आपका? साढ़े हमसाए ने। और बाजी कुछ नहीं, साढ़े मसलन के है वे हमसाए ने, साढ़े खान जान खान पीन सारा कुछ ही है। ठीक। फिर मैनू दसिया, तो फिर इन्हें मसलन के मुलाकात कहाँ होती थी? बाजी मुलाकात नहीं, मसलन के साढ़ा आन जान से कार उन्होंने खाना पीना उठना बैठना कहाँ होता था? कार उन्होंने। फोन पर दो दो घंटों की कॉल होती थी? हर हमसाए से तो नहीं होती, सीडीआर में तो हर चीज़ ओपन हो जाती है, तुम्हारी कॉल की जो डिटेल है उसमें सब समझ आ रही है। तुम दो दो घंटे माजिद से गप्पे मारती थी, तो कोई तो मामला था ना माजिद के साथ? नहीं बाजी, पहला है सी, हुण नहीं सी है। पहले है सी? हाँ जी। कितना अरसा? 5-6 महीने। 5-6 महीने मामला से गए माजिद नाल? हाँ जी। वहीद नू पता लग गया सी? नहीं, वो मसलन के ब्लैकमेल करता सी। वहीद आपको ब्लैकमेल किस बात पे करता था कि मैं माजिद का बता दूंगा? नहीं। हाँ, कहना सी कि मेरे ना भी यहाँ हरकत का, क्योंकि तुम्हारी माजिद के साथ है। हाँ जी। इसलिए? हाँ जी। पूरी बात बताओ। ते इस वजह तो बाजी फिर मैंने ब्लैकमेल करता सी, तंग तुंग करता सी, फिर मैंने दसिया, ते इन्हें फिर मार के उन फंदा दे के ते नहर विच सुट। घर किसने बुलाया था वहीद को? मैंने। क्या कहा था? नहीं नहीं, वो खुद सामान रखने आया सी। ठीक है, रोजाना सामान रखने आता था? हाँ जी। फिर? फिर बाजी कुछ नहीं। फिर मारा कैसे उसको? बाजी उन्हें गले विच फंदा दिता है, मार के रेड़े पा के ते नहर च सोखा है। तुम कहाँ थी? मैं अपने घर, मेरे बच्चे स्कूलों आए से, मैं रोटी बनाई है। ठीक। बच्चे नहीं पूछते थे ये कौन है माजिद? नहीं। नहीं पूछते थे? नहीं। खामद मना करता था तुम्हें इन कामों से? हाँ जी। करता था? हाँ जी। क्यों नहीं मना हुई? बाजी मैं उन्हें दसिया सी के मसलन के मेरे नाल जिंदियां हरकतां करदा है, मैनूं बोलदा है को मुझे कहता है। हाँ जी। तुम्हारे अब ये तुम इल्जाम लगा रही हो एक मरे हुए शख्स पर। नहीं बाजी, इल्जाम नहीं चला गया। बाजी इल्जाम नहीं, इल्जाम ही है ना, साबित थोड़ी हुआ है, इल्जाम ही है ना अभी। अच्छा चलो, तुमने खामद को ये बताया था, खामद ने माजिद से ताल्लुकात पे मना नहीं किया? बाजी पहला दी गल सी, उन्हें मना किया सी, लेकिन उस तो बाद कोई गल नहीं है। फिर तुम नहीं हटी? नहीं, साड़ी कोई गल बात नहीं उस तो बाद हुई है। अच्छा, सैफ कौन था? वो मेरा चाचा है। वो चाचू है? हाँ जी। और बाजी वो काम करता सी मेरे बंदे दे नाल। अच्छा। ते उन्हों ना करोना सी, बीमार सी, ते थे डॉक्टर वसीम को सी दवाई दवी लई सी उहदी। हाँ। ते ठीक हो गया, चला गया सी। घर क्यों रहता था तुम्हारे? बाजी ठीक नहीं सी, आते तो सी दवाई ले सी। ठीक ना हो, लैंडलॉर्ड लोग हो? नहीं नहीं, उन्होंने पना लेते हैं लोग। बाजी उन्होंने आ क्या सी कि तुसी ना दी दवाई 2-3 दिन लगातार लानी है, तो फिर थोड़े दिन वास्ते इतने साढ़े घर रुके, दवाई ले चला गया। नहीं सानू कोई बाजी खर्चा नहीं देता। पैसे देता था सैफ? नहीं बाजी, मेरा बंदा बाजी कमा लेता। नहीं बाजी, अंज दी कोई गल नहीं है। नहीं, बजाहे तुमने चाचू साबित किया हुआ था उसको सबके सामने कि मेरा चाचा है ये। नहीं बाजी, मेरे ओदे ना कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरा चाचा ताल्लुकात है। बाजी मेरे किसी ना नहीं है। नहीं, आपने अपने अपने मुंह से बताया है, एक खामद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो तुम्हारा जायज हुआ ना ताल्लुक। एक माजिद निकल आया, एक सैफ निकल आया। नहीं बाजी, मेरी था तुम इधर क्या मतलब, बहुत खूबसूरत हो कि तुम्हें हर बंदा आके ब्लैकमेल भी करता है और तुम्हारे साथ ताल्लुकात भी कायम करना चाहता है, लेकिन तुम किसी से ताल्लुक कायम करना नहीं चाहती, यही कहना चाह रही हो? बाजी मेरे कोई ओदे नाल ताल्लुकात नहीं है, मेरे चाचे मेरे प्यो है बजाए वे। हाँ, क्या है? मैं क्या, मेरा प्यो है बजाया, मेरी ओदे नाल कोई गल नहीं है, मेरे अबू घर ने। वो तो कॉल डिटेल नहीं निकली आपकी कॉलों की, जो सगा बाप है उसके साथ तो तुम कॉल पे बात ही नहीं करती। 5 बच्चे, एक नहीं 5 बच्चों की माँ हो तुम, तुम्हें जेब देता है ये लड़केबाजी हरकतें करना? क्या कसूर है तुम्हारे खामत का जो तुम्हें अपने निकाह में लेके बैठा हुआ है? क्या कसूर है उसका? उसकी इज्जत का जनाजा निकालती फिर रही हो? जवाब दो ना मेरी बात का, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, जवाब दो मुझे। नहीं बेटा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ जी।
क्या कसूर है उस शख्स का जिसने तुम्हारे से 5 बच्चे पैदा करके नस्ल बढ़ाई है? जवाब दो। नहीं बाजी, कोई नहीं। अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करता है बकौल तुम्हारे, तो इसका मतलब उसे खत्म करो, किस्सा खत्म करो, कत्ल कर दो। तुम्हारा ये आइडिया निकला ना, प्लानिंग तुम्हारी ये थी? हाँ भाजी, गलती है। क्या गलती हुई है? खामत से बेवफाई, बच्चों के साथ जो कुछ करती रही हो, बच्चों को पता नहीं किस किस्म की तरबियत दी, ये गलती। एक शख्स की जान ही लेनी, ये गलती। एक शख्स को खाती रही चाचा बना के, ये गलती। और देखो कोई शाह, ये गलती। भाजी असी कभी कोई शाह नहीं ली है, ना असी कभी दीती है ना ली ओदे कोलो। चलो कोई चीज नहीं ली तुमने, ताल्लुकात तो थे? नहीं बाजी, इशारत ने खुद, उसने खुद बताया है। नहीं बाजी, मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है बाजी, आज झूठ गल है। इकरार किया उस? नहीं बाजी, मेरे नहीं है। क्यों इल्जाम लगा रहा है वो तुम्हारे पे? बाजी ये मेनू नहीं पता है, लेकिन मेरी ओदे ना कोई गल बात नहीं है। अब नहीं है, पहले थी? नहीं बाजी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, तफ्तीश में क्या सामने आई है, ये आपको दिखाते हैं। बिशारत अली गुजर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी में एज आ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरंजाम दे रहे हैं। केस में तफ्तीश कहां तक पहुंची और तफ्तीश के बाद कौन से नए हकायक सामने आए हैं, यह हम जानते हैं बिशारत अली गुजर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिशारत साहब, आपके पास जो पर्चा दर्ज हुआ था वो था अगवा का? जी। मुदई थे अगवा मुगवी के वालिद। फिर क्या हुआ? जी इसमें यह है कि ये अप्रैल के महीने में, 15 अप्रैल इसी साल 2022 में जो है वो हमारे पास एक केस जो है वो रिपोर्ट होता है अगवा के मतलब, वहीद मसीह जो कि भट्टा खश्त पे काम करता था और वो अमजद मसीह का बेटा था, वो बरोज़ जुमा जो है वो 15 अप्रैल को जो है वो अपना रूटीन का काम जो है वो ईंटें डालने का काम ख़त्म करके, तो वो अपना जो है ना वो रेडी और सांचा वगैरह जो सामान था वो लेके, तो करीबी भट्टा के साथ ही मुलहिका उसकी एक अजीज़ा है जो उसकी रिश्ते में भाभी लगती थी, मारिया बीबी जौजा अरशद मसीह जो है, वो जो है उसके घर जाता है और वहाँ वो रूटीन में जो है वो अपना सामान वगैरह वहाँ रखता था, तो वो वहाँ रखने के बाद जो है वापस फिर घर ना आया, तो इस पर जो है वो हमारे पास अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर तो वहाँ गया और उसके बाद नज़र, उसके बाद वो नज़र नहीं आया, तो उसमें जो है वो ये चलता रहा है। फिर उसके अगवा के बाद जो है वो उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश जो है वो होती रही है। मेरी पोस्टिंग जो है वो 21/7/2022 को यहाँ इसी थाना में होती है, तो उस वक़्त जो है वो इसमें ये था कि वही जो मदई थे इस मुकदमा के, उन्होंने जो उसकी अजीज़ा वो भाभी थी जहाँ वो आखिरी दफ़ा जिसके घर में गया है, उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में मारिया बीबी को जो है और उसके भाई को जो है उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द किया था कि हमें शक है कि ये मुलव्वस हो सकते हैं हमारे बेटे के अगवा में जो है, लेकिन मारिया बीबी जो है उसकी इंटरम बेल जो है वो कन्फर्म हो गई थी अदालत से और उसके भाई की जो है वो हाई कोर्ट से इंटरम बेल चल रही थी। जब इसको केस को जो है वो मैंने इसको देखा और हमने जो है फिर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी और फिर जो है वो ये बात सामने आई कि जो मारिया बीबी है इसके जो है वो, हमने इसको इलाका से जाके लोगों के साथ मिले, वहाँ से पता किया, इनके CDR हासिल किए, जितने भी हमारे पास वसाइल थे जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमने सारी छानबीन की, तो ये बात जो है वो सामने आई कि मारिया बीबी जो है इसके जो है वो ताल्लुकात जो हैं इसके इस तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात हैं। हो जाता है जी CDR और नंबर दो जो इलाका में, जो इलाका से जो मालूमात मिलती हैं, जो वहाँ आबादी से मालूमात मिलती है, ये नदीम कोट पास ही एक इलाका है, वहाँ का ये सारा वाकया है, तो हमें जो मालूमात मिली उस बना पे फिर हमने जो है वो सारा इसको देखा, छानबीन किया और ये बात सामने आई कि मारिया बीबी जो है इसके तल्लुकात जो है वो एक माजद उर्फ माजू नामी जो है वो एक मुलज़म है, राई बरादरी से तल्लक रखता था, इसी आबादी का रहने वाला था, उसके साथ इसके जो है वो नाजायज़ तल्लुकात थे और उन नाजायज़ तल्लुकात का जो है वो वहीद मसीह जो कि रिश्ता में मारिया का जो है वो देवर लगता था उसको जो है वो इलम हो गया था, तो मारिया को और माजद को ये था कि यह बात जो है वो उसके खानदान वालों को पता चले कि उसके शौहर का इल्म हुआ था या किसी गैर हालत में देखा भी नहीं, चूँकि वो उनके घर जाता था तो ये गालब गुमान जो है इसमें यही है, और जहाँ वो काम करता था वो भट्टे के सामने जिस जगह पर वो काम करता था उसके काम करने वाली जगह और मारिया का घर जो है वो बिल्कुल आमने सामने था। ठीक है,
तो इनकी इसमें एक जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मारिया की और वहीद की, जिसमें वो बता रहा है कि आप लोगों ने ये समझा कि मैं नहीं देख रहा लेकिन मैं देख रहा था। तो इसमें यही बात है कि उसने इनको ज़रूर उसने देखा होगा।